हेलो एवरीवन। तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो लेक्चर्स देखे उसमें एक लास्ट लेक्चर देखा था हमने, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सिंपलीफाई करके उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। उस लेक्चर में हमने देखे थे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मेथड। इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मेथड वही मेथड यूज करके हम और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले, ये उसके और एक दूसरी मेथड, मतलब हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मेथड का ही एप्लीकेशन है, लेकिन एक दूसरा नाम हम उसको दे सकते हैं। और वह मेथड है सिमेट्री मेथड। यूजिंग दिस मेथड यू कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स सर्किट्स इजीली। मीन्स कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में बहुत सारी बार पूछा आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और डिफरेंट क्वांटिटीज भी पूछी जा सकती है, लेकिन हम पहले देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड करना है यूजिंग दिस सिमेट्री मेथड। एक्चुअली सिमेट्री मेथड है क्या, चलो उसे एक एग्जांपल लेकर ही देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक सर्किट यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। आई एम ड्रॉइंग अ सर्किट हियर। नाउ ऑब्जर्व दिस सर्किट। Different identical resistances are connected between two points A and B. These are the two points. मैं यहाँ पर वह दो points draw कर रहा हूँ, A and B. And between these two points A and B, different resistances are connected. किस तरह से connect किए गए हैं इसमें, जरा ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर draw कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको समझ में आएगा कि इन रेजिस्टेंस को किस तरह से कनेक्ट किया है। ठीक है, एक रफ डायग्राम में यहां पर ड्रा कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस जो है उन रेजिस्टेंसेस को किस तरह से कनेक्ट किया है। और उसका यूज करके, इस मेथड का यूज करके हम इक्विवेलेंट और इफेक्टिव नेट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिमेट्री मेथड का यूज मैं आपको बताने वाला हूँ, जरा ध्यान दीजिए सब लोग। देखो, अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बता रहा हूं आपको कि ये जो सर्किट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं उसमें जो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हैं वो किस तरह से कनेक्ट किए, जरा ध्यान से देखिए। आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस है, इक्वल रेजिस्टेंसेस है, मैं उसकी वैल्यू आर ओम कंसीडर कर रहा हूं। वो फर्स्ट रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट किया है, यहां पर कनेक्ट किया है, सेकेंड रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट किया है, और ये नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस इस तरह से कनेक्ट किए यहां पर, मैं वहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। आप इस सर्किट को ऑब्जर्व कर लीजिए, मतलब आपको समझ में आएगा कि हम आसानी से इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पहले समझना होगा कि जो रेजिस्टेंसेस आपको दिए हैं वो जो नेटवर्क दिया है उसमें रेजिस्टेंसेस सीरीज में है या पैरेलल, तो वह आपको आसानी से समझ में नहीं आ सकते कि ये रेजिस्टेंसेस सीरीज में है या पैरेलल में। तो इस सर्किट रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस का सर्किट, इसे आप ऑब्जर्व कीजिए। देखो, यह सर्किट मैंने ड्रॉ किया। Now, number of identical resistances are connected between these two points A and B, and we have to find the equivalent resistance of this circuit. Find the net or equivalent resistance. Net कहेंगे और हम कहेंगे equivalent resistance of this circuit. अब equivalent resistance हमें find करना है। अब किस तरह से? अब आप बता सकते हैं कि ये दो रेजिस्टेंसेस, सपोज फॉर एग्जांपल ये तो आर ओम मैं कंसीडर करता हूं आइडेंटिकल, ये भी आर ओम है, क्या आप बता सकते हैं आसानी से कि ये दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में या पैरेलल में? नहीं, आसानी से नहीं बता सकते। एक्चुअली आपको दिखा नहीं दे रहा होगा, लेकिन लुक हियर, ये एक रेजिस्टेंस और ये एक रेजिस्टेंस, जैसे मैं नाम दे देता हूं पॉइंट्स को, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए, ये बी है। तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट कंसीडर करता हूं ये सी डी E, F, G and H, correct है। Now resistance between A and C, resistance between A and H, इनकी बात कर रहा हूं। देखने से तुरंत पता नहीं चलेगा, but look here, these two resistances are in parallel। कैसे देखेंगे हम, बताऊंगा मैं आपको, लेकिन जरा ध्यान से देखो।
सिमेट्री मेथड के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। तो सिमेट्री मेथड है क्या, यहां पर सपोज करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन दिस डायरेक्शन। नाउ द एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हम ऑब्जर्व करते हैं ये एक्सिस। तो लुक हियर, द पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क बिलो दिस एक्सिस एंड अबोव दिस एक्सिस एग्जैक्टली सिमिलर सेम। So you can say this network is symmetric about a parallel axis. Remember, what is parallel axis? Parallel axis means this is axis along the direction of flow of current. And perpendicular bisector of this parallel axis means perpendicular axis यहाँ पर draw करेंगे हम ऐसे like this. तो क्या कहेंगे? ये है perpendicular axis. तो ये भी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। नाउ रिमेंबर, अगर हम कहेंगे ये नेटवर्क इज सिमेट्रिक अबाउट अ पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, तो पॉइंट्स ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल पॉइंट, इसे नाम दे देता हूं मैं ओ, मिस पॉइंट डी ओ जी, दिस आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। तो मैंने जो लास्ट लेक्चर में आपको मेथड बताई थी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मेथड, यूजिंग दैट मेथड यू कैन सॉल्व दिस नेटवर्क। लेकिन और एक वे में बता रहा हूं सिमेट्री मेथड मतलब एक्चुअली क्या करना। तो इन दिस केस यू कैन फोल्ड दिस नेटवर्क अबाउट इट्स पैरेलल एक्सिस, इस पैरेलल एक्सिस के अबाउट इस नेटवर्क को आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो। फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, देखो ये नीचे का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट, आप ऊपर का पार्ट जो है उसे ऑब्जर्व करते हैं, जो अपर पार्ट है उसे ऑब्जर्व करते हैं, मैं वो अपर पार्ट आपको बता रहा हूं। लुक हियर, ये पॉइंट है, थोड़ा सा लार्ज ड्रॉ करेंगे समझने के लिए, पॉइंट ए, ए सी डी, ये ऐसी ब्रांच ए सी डी है ना, ये डी, ये डी तक मैं जो पार्ट है वो बता रहा हूं, एंड यहां पर है बी, बी पॉइंट, ऐसा बी पॉइंट। तो क्या कहेंगे हम, ए एंड डी में दो रेजिस्टेंसेस है, ये सी पॉइंट है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है एंड यहां पर एक रेजिस्टेंस, करेक्ट है। या उसी तरह से हम कहेंगे यहां पर सपोज वो ओ पॉइंट में यहां पर मार्क कर रहा हूं, ये ओ पॉइंट, दिस पॉइंट इज ओ, तो ओ एंड सी में एक रेजिस्टेंस है, लुक है, वैसे यहां पर भी एक रेजिस्टेंस है बिटवीन ई एंड ओ, एंड ये डी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ओ एंड बी इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, या ए एंड ओ में कोई रेजिस्टेंस नहीं, ये जो ई एंड बी में रेजिस्टेंस है वो यहां पर मार्क कर रहा हूं, डी एंड ई में यहां पर मार्क कर रहा हूं। नाउ लुक हियर, जो लोअर पार्ट है उसे समझो, जो लोअर पार्ट है उसे समझो, अब ये जो पार्ट है नीचे का पार्ट, लोअर पार्ट एक्सैक्टली सेम है, सिमेट्रिक है, तो इसे फोल्ड करके मैं इस पर रख देता हूं। अब फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट सी है, ये एच, ये जी, ये डी, जैसे आप फोल्ड करेंगे इन दैट केस ये जी पॉइंट डी पॉइंट पर चला जाएगा, ये जी पॉइंट जो है वो डी पॉइंट पर चला जाएगा, सो डी एंड जी हो जाएंगे एक जगह पर। सो अगेन यू कैन से जो पॉइंट्स एक दूसरे पर फोल्ड करने के बाद कोइंसाइड होते हैं दैट आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। तो ऐसे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स अपने आप एक जगह पर आ जाते हैं, सो डी एंड जी, तो डी एंड जी एक इस पर आ जाएंगे, एच एंड सी, ये एच पॉइंट है वहां पर सी पॉइंट भी आ जाएगा, एच एंड सी एक जगह पर आ जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे एच सी जी डी एफ ई, ई एंड एफ एक जगह पर आ जाएंगे। तो होगा क्या, देखो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एच एक है, तो ये ए, अब एच पॉइंट यहां पर आ गया, तो ये रेजिस्टेंस यहां पर मैं ए एंड एच में जो रेजिस्टेंस है वो यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक उसी तरह से सी एंड डी में एक रेजिस्टेंस है, लेकिन एच एंड जी में भी एक रेजिस्टेंस है, वो फोल्ड करने के बाद यहां पर आ जाएगा, वो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ये फोल्ड करने के बाद ये पॉइंट एच यहां आ जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस भी यहां आ जाएगा, थोड़ा सा सेपरेट रखकर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक उसी तरह से जी डी एंड ई में एक रेजिस्टेंस है, लेकिन जी यहां पर आएगा, एफ यहां पर आएगा, ये रेजिस्टेंस वहां पर ही आ जाएगा, तो आई एम ड्रॉइंग दैट रेजिस्टेंस हियर, ये ऐसा।
ठीक उसी तरह से ये भी यहां पर मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर लेता हूं एंड वही पार्ट हम देखेंगे। ये पार्ट फोल्ड करने के बाद ये पार्ट यहां पर आ जाएगा। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये पार्ट यहां पर आ जाएगा। ये रेजिस्टेंस दोनों एक जगह पर आएंगे, वो रेजिस्टेंसेस मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब जी पॉइंट यहां एच एंड ओ, जो एच एंड ओ में रेजिस्टेंस है वो एच एंड ओ में, और यहां पर ओ एंड ई है तो ओ एंड एफ में भी है, तो एफ पॉइंट यहां पर आ गया, तो वो रेजिस्टेंस मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। करेक्ट, फोल्ड करने के बाद आपकी ये जो कंडीशन है इस तरह से हो जाएंगी। तो लोअर पार्ट के रेजिस्टेंसेस है मैंने वह ब्लू लाइन से, ब्लू कलर से डिनोट किए। ना अब सिंपल सर्किट हो गया, आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। आइडेंटिकल है आर 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 बाय टू पैरेलल में ना, तो मैंने कहा था पहले क्या ये रेजिस्टेंस दिखाई नहीं देते, लेकिन दे आर इन पैरेलल, तो अब यहां प्रूव हो गया दे आर इन पैरेलल। करेक्ट है, अब दो पैरेलल है, पैरेलल के लिए क्या बताया मैंने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, याद ही रखना है वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस, जितने आइडेंटिकल होंगे उसमें से एक की वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब देखो यहां पर कितने रेजिस्टेंसेस, टू, एक की वैल्यू कितनी ली आर, आर तो ये हो जाएगा आर बाय टू। तो मैं ये सर्किट यहां पर फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो जाएगा आर बाय टू, आर बाय टू, आर बाय टू, आर बाय टू होने के बाद आप एक बात और याद रखिए कि R by 2, R by 2, R by 2, R by 2, R by 2 resistances जो है उसके ये identical है, and quadrilateral के along अगर होगा resistance तो याद रखिए आप सब लोग quadrilateral के sides के along अगर identical resistances है तो effective resistance होता है value of 1, तो R by 2, R by 2, R by 2, R by 2, तो ये भी आ जाएगा R by 2, ये आ जाएगा R by 2, ये R by 2, तो यहां पर भी R by 2, now look here, R by 2, तो all these three resistances, अब आप समझ सकते हैं are in series, तो equivalent resistance, series में, n times R, 1, 2, 3, 3 times R by 2, 3 times R by 2, तो equivalent resistance होगा 3 R by 2, और भी वही से जैसे आप जरा सोचते तो समझ में आ सकता है आपको थोड़ा सा, मतलब एक बार आपको समझ में आ गया कि आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि ऊपर का नीचे का पार्ट सिमेट्रिक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। यहां पर देखिए जरा ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, यहां पर आप समझ सकते हैं कि ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट ये यहां पर वो सिमेट्रिक होगा, तो ऊपर के पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड करना, नीचे का पार्ट जो है उसका भी उतना ही आएगा। कैसे, देखो ये दूसरी, मतलब वही मेथड है हम कहेंगे, लेकिन वे बता रहा हूं सोचने का। तो ये आ, ये क्वाड्रिलैटरल आर 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 आर, तो पहले ए पॉइंट में मैंने क्या कहा आर, ये आर, ये ऊपर का जो है क्वाड्रिलैटरल आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो उसका भी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आर, फिर ये आ गया आर, ये आ गया आर, तो ये होगी अपर ब्रांच, तो अपर ब्रांच का रेजिस्टेंस आर 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 थ्री आर, तो हम कहेंगे थ्री आर रेजिस्टेंस अपर ब्रांच का, अपर पार्ट का, एंड लोअर पार्ट का भी थ्री आर, एंड दिस टू आर इन पैरेलल, दिस टू आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में क्या कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वैल्यू ऑफ वन, value of 1 upon number of resistance is 2, so you can use any method but आपका answer correct होना चाहिए उस। तो इस symmetry method को समझने के लिए दूसरा एक similar example में ले लेता हूं। तो इसके लिए मैं यहां पर एक network draw कर रहा हूं। Now look, observe that network कि किस तरह से इन resistances को arrange किया है। मैं यहां पर वह resistances draw कर रहा हूं, ठीक है। For resistances, again मैं identical consider करता हूँ, for convention, कोई भी value होगी तो method हमें important है, वो समझ में आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर वो resistances जो है, वो draw कर रहा हूँ कुछ, है ना, यहाँ पर resistances मैं draw कर लेता हूँ, between these two points, A and B,
नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हैं बिटवीन दिस टू पॉइंट्स ए एंड बी। तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह से यहां पर रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया है। ठीक है, रफ मतलब डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं, सिमेट्रिक आनी चाहिए इसलिए वो केयरफुली हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, अब मैं इन रेजिस्टेंसेस को ड्रॉ कर रहा हूं, जरा आप ऑब्जर्व कीजिए, पहले ध्यान दीजिए, ये रेजिस्टेंसेस आइडेंटिकल है, ईच ऑफ वैल्यू आर ओहम, आर ओहम के रेजिस्टेंसेस यहां पर कनेक्ट किए हैं। देखिए यहां पर हम आर ओहम रेजिस्टेंसेस जो है इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ और रेजिस्टेंसेस हैं विच आर कनेक्टेड हियर, यहां पर देखो। अब क्या करना है, इस सर्किट को आप ऑब्जर्व कीजिए, अब यहां पर हम आसानी से इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिमेट्री मेथड। तो सपोज यहां से करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अब यहां से करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहेंगे वो ट्विस्ट है, ये तो पैरेलल एक्सिस है, उसके अबाउट सिमेट्रिक है, और ये है परपेंडिकुलर एक्सिस, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो आप वह इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मेथड भी यूज कर सकते हैं, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स कंबाइन करके फिर लेफ्ट साइड का फिर राइट हैंड साइड का अगर आपने रेजिस्टेंस फाइंड किया, दोनों सीरीज में होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल सकता है, बट सिमेट्री मेथड का हम यूज करके यहां पर फाइंड करने की कोशिश करें। अब यहां पर जरा समझ लीजिए क्या होगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल यहां से करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट सपोज थ्री आए, ये टोटल करंट आई आई डिवाइड होगा इक्वली, क्योंकि आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस हैं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, बट यहां आने के बाद आप सोचेंगे दोनों आई बाय टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे ऐसे, तो उसके कारण यहां पर आई बाय टू करंट फ्लो रहा है आई बाय टू, लेकिन यहां तो आई ही चाहिए, तो ये आई बाय टू करंट प्लस यहाँ का आई बाय टू फिर कंबाइन होकर यहां पर आए, मीन्स इन शॉर्ट मुझे बताना इन दोनों में सेम करंट है, ठीक उसी तरह से इन दोनों में सेम है, इन दोनों में सेम करंट है, तो क्या हुआ, तो इसका मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं, इससे कुछ मिडल ब्रांच से अपर ब्रांच का कुछ लेना देना, सो यू कैन सेपरेट दिस अपर ब्रांच फ्रॉम दिस मिडल ब्रांच। तो सेपरेट करने के बाद कैसा होगा, ये सपोज ए सी डी बी ई एफ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट मैंने नाम दिया, तो हम कहेंगे ये ए पॉइंट, लुक हियर ये सी पॉइंट यहां पर, फिर सी टू डी एक रेजिस्टेंस है एंड डी टू बी एक रेजिस्टेंस है, करेक्ट है। अब सी ओ डी ये जो पार्ट में बता रहा था आपको, वी कैन सेपरेट दिस पार्ट फ्रॉम द पॉइंट ओ, ओ पॉइंट से आप वह सेपरेट कर सकते हैं, इस तरह से सेपरेट कर दिया मैं, और यहां पर ओ पॉइंट है, अब यहां पर ओ पॉइंट है, ए एंड ओ में एक रेजिस्टेंस है एंड ओ एंड बी में एक रेजिस्टेंस है, लाइक दिस, तो इसको मैंने सेपरेट कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अब सिमिलर वही नेटवर्क है, क्योंकि अपर ब्रांच, अब लोअर ब्रांच सिमेट्रिक है अबाउट अ पैरेलल एक्सिस, तो यू कैन फोल्ड दिस नेटवर्क अबाउट दैट पैरेलल एक्सिस, ऐसे फोल्ड करने के बाद जो लोअर पार्ट है उस अपर पार्ट पर चला जाएगा, मीन्स एफ पॉइंट जो है सी पॉइंट पर चला जाएगा, ई पॉइंट डी पॉइंट पर चला जाएगा, एक जगह पर आ जाएंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स ही होते हैं वो, जो पॉइंट्स जो नोड्स एक जगह पर आ जाते हैं वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो जाते हैं, वो पॉइंट, तो हम क्या कहेंगे, देखो एफ एंड ए में एक रेजिस्टेंस है, एफ पॉइंट यहां पर आ गया, वो रेजिस्टेंस में यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, करेक्ट है, अब सी एंड डी पर एफ एंड ई आ जाएगा, एफ एंड ई में एक रेजिस्टेंस है, लुक हियर, करेक्ट है, वैसे देखें डी एंड बी में एक रेजिस्टेंस है, डी पर आ जाएगा ई पॉइंट, ई एंड बी में भी एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस में यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक उसी तरह से ओ एंड एफ, तो ये ओ पॉइंट है एंड एफ पॉइंट यहां पर, वो रेजिस्टेंस यहां पर आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस यहां पर आ जाएगा,
करेक्ट है। अब आप सर्किट को देखो, सिंपल हो गया, आसान हो गया, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी एक का आ गया, एक का आ गया, उसको अगर हम देखेंगे ऊपर का पार्ट का फाइंड कर लिया फिर नीचे का ये तो भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी इस वे से सॉल्व कर लेते हैं। ये आर आर ये हो गया आर बाय टू वैल्यू ऑफ वन अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस बिकॉज दीज आर इन पैरेलल। तो अब ये आर 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 बाय टू आर बाय टू आर बाय टू, तो अब ट्राइंगल है तो हम क्या कहेंगे, ये हो गया आर बाय टू है ना। यहां पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं एक आर बाय टू, यहां पर ये भी है आर बाय टू, बट ये है आर बाय टू एंड आर बाय टू, आर बाय टू आर बाय टू सीरीज, तो सम करेंगे तो वो जाएगा आर आर, फिर यहां पर आर बाय टू आर बाय टू है ना, एंड ये ए एंड बी में ये आर प्लस आर ये हो जाएगा टू आर, ये हो जाएगा टू आर। तो देखो और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आर बाय टू आर बाय टू ये रेजिस्टेंस, चलो देरी के लिए सीरीज में तो मैं ऐसे कर लेता हूं आर बाय टू आर बाय टू आर, आर बाय टू आर बाय टू आर, आर बाय टू एंड आर पैरेलल में तो आर बाय टू प्रोडक्ट अपॉन सम टू आर प्लस वन आर थ्री आर बाय टू, तो आर बाय टू कैंसिल हो जाएगा बचेगा आर बाय थ्री, आर बाय थ्री अपॉन दिस टू आर जो पैरेलल में उसके साथ टू आर। सो आर एंड आर बाय थ्री सीरीज में सम करो थ्री आर प्लस वन आर फोर बाय थ्री आर, और फोर बाय थ्री आर एंड टू आर इन पैरेलल तो क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फोर बाय थ्री आर प्रोडक्ट अपॉन सम, सम कहेंगे फोर बाय थ्री आर प्लस टू आर, चलो सम करते हैं फोर बाय थ्री आर इंटू टू आर, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स प्लस फोर टेन बाय थ्री आर, करेक्ट है, तो ये आर बाय थ्री गेट कैंसल, तो क्या बचेगा जरा ध्यान से देखो टू फाइव जा टेन तो ये जाएगा फोर बाय फाइव एंड एक आर, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट हो गया फोर बाय फाइव आर। तो देखो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम सिंप्लीफाई कर सकते है ना, इजी एंड इम्पोर्टेंट मेथड। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस करते रहो। ओके थैंक यू।